उत्तराखंड में इतिहास जानने के स्रोत हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। और इसी में मैंने आपको बताया था कि प्रसिद्ध दो विद्यापीठ हैं उत्तराखंड में, एक है बद्रिकाश्रम और दूसरा है हमारा कौन सा, कड़वाश्रम। ठीक है, कड़वाश्रम के बारे में आप पहले से जानते हैं, इसके अलावा बद्रिकाश्रम से भी सवाल पूछे जाते हैं। मैं चाह रहा हूं कि आज आपको ये सब बता दिया जाए और इनसे जो जो सवाल बनते हैं वो हम देख लें सब। अगर आप देखेंगे जो जोशी मठ में हमारा ज्योतिर्मठ जिसे आज कहते हैं, वही पहले क्या हुआ करता था, बद्रिकाश्रम हुआ करता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कड़वाश्रम हमारा कहाँ, पौड़ी गढ़वाल में। देखिए, सवाल अभी तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो सवाल पूछा है, ये पूछा है कि जो बद्रिकाश्रम है उसके प्रथम मठाधीश कौन थे, या बद्रिकाश्रम की स्थापना किसने की, बद्रिकाश्रम की स्थापना किसने की ये पूछता है। बद्रिकाश्रम आपको मिलेगा इधर, बद्रिकाश्रम। अब देखिए सवाल क्या पूछता है कि इसी बद्रिकाश्रम में शंकराचार्य ने क्या किया था, शंकराचार्य ने क्या किया था, यहां पर ज्योतिर्मठ का स्थापना की थी, ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। आपने सुना होगा कि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पुनः एक तरह से पुनर्जागरण की तरह करने से या पुनर्जीवित करने से संबंधित भारत के चार कोनों में क्या किए, अलग अलग से पीठ स्थापित किए। उन्हीं में से उत्तर में जो स्थापित किया, उत्तर में वो किया गया ज्योतिर्मठ, ठीक है, और पूर्व में जो किया, इधर पूर्व में, और इसके अलावा दक्षिण में, और इसके अलावा पश्चिम में, ये चार क्या किए उन्होंने, अलग अलग से मठ स्थापित किए। उत्तर में जो मठ स्थापित किया उसका नाम है क्या, ज्योतिर्मठ, ठीक है। पूर्व में जो मठ स्थापित किया उसको क्या कहते हैं, गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ। और ये गोवर्धन मठ कहां स्थापित किया गया, पुरी में। पुरी कहां है, ओडिशा में, ठीक है, पुरी ओडिशा, पुरी ओडिशा, पुरी ओडिशा में क्या किया, गोवर्धन मठ की स्थापना की। और इसके अलावा पश्चिम में ये ज्योतिर्मठ हमारा चमोली में है, उत्तराखंड, चमोली उत्तराखंड, चमोली उत्तराखंड। और इसके अलावा पश्चिम में जो जिस मठ की स्थापना की उसे कहा जाता है शारदा मठ। आपसे सवाल इसमें से पूछे गए, अस्त्र है, अस्त्र बता रहा हूं आपको सब चीजें, ठीक है, ये उससे अलग बता रहा हूं, शारदा मठ। और ये शारदा मठ की स्थापना कहां की, द्वारिका में, और द्वारिका कहां है, गुजरात, द्वारिका गुजरात में। और इसके अलावा दक्षिण में जिस मठ की स्थापना करी उसे कहते हैं श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ। और इस श्रृंगेरी मठ की जो स्थापना करी इन्होंने करी, ये कहां है, चिकमंगलूर जिला, चिकमंगलूर जिला कर्नाटक, रामेश्वरम कर्नाटक, ठीक है, रामेश्वरम, और एक रामेश्वर यहां भी है, ठीक है, चिकमंगलूर जिला में श्रृंगेरी मठ जहां पर है यहां पर भी क्या है, रामेश्वरम, रामेश्वरम। इसके अलावा रामेश्वरम तमिलनाडु में भी, ठीक है, जो रामेश्वरम का धनुषकोटी श्रीलंका के जाफना द्वीप को जोड़ता है, ठीक है, वो अलग है, जहां पर हमारा क्या है, पाक जल संधि है, ये अलग है, ये कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक राज्य में। ये पूछता है कि श्रृंगेरी मठ किस राज्य में, ये कर्नाटक में है, और जबकि गोवर्धन मठ पूरी ओडिशा में है, और शारदा मठ कहाँ है, द्वारिका गुजरात में है, और ज्योतिर्मठ कहाँ है, चमोली में है। अब सवाल जो जो पूछता है, सवाल उत्तराखंड से यहां से पूछा गया है कि ज्योतिर्मठ के पहले मठाधीश कौन थे, पहले मठाधीश, मठाधीश एक तो ये पूछा गया है कि इसके मठाधीश कौन थे, और इसके अलावा ये पूछा गया है कि बद्रिकाश्रम के ज्योतिर्मठ में शिक्षा ग्रहण करने वाले जो संत होते हैं उनमें किस संप्रदाय शब्द जोड़ा जाता है, कौन सा संप्रदाय जोड़ा जाता है, ठीक है, अलग से एक क्या दी जाती है, उन्हें उपाधि दी जाती है ना। तो ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछेगा कि ज्योतिर्मठ में दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों पर कौन सा संप्रदाय जोड़ा जाता है, नाम, उनके नाम के बाद क्या किया जाता है, गिरी, पर्वत और सागर शब्द जोड़े जाते हैं। अगर इसी के अंतर्गत आपसे पूछेगा कि श्रृंगेरी मठ में दीक्षा ग्रहण करने वाले को क्या क्या लगाया जाता है, इन पर लगाया जाता है सरस्वती भारती, ठीक है,
इनमें इनके नाम पर यहां पर मैं अलग से ले देता हूं, सरस्वती भारती, सरस्वती और भारती, हाँ श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ में दीक्षा ग्रहण करने वाले जो संत होते हैं या सन्यासी होते हैं उन पर सरस्वती भारती और पुरी, और पुरी इन शब्दों का विशेषण क्या किया जाता है इस पर लगाया जाता है। और इसके अलावा जो गोवर्धन मठ हमारे पुरी ओडिशा में है और जो शंकराचार्य थे उन्होंने सबसे अंत में इसी गोवर्धन मठ की क्या की थी, स्थापना की थी। सबसे पहले इसकी की ज्योतिर्मठ की स्थापना की, सबसे पहले स्थापित, ये भी पूछ सकता है, सबसे पहले स्थापित मठ, और ये गोवर्धन मठ जो है ये सबसे बाद में, ठीक है, सबसे बाद में या अंतिम, अंतिम में स्थापित, सबसे बाद में जो स्थापित मठ है शंकराचार्य के द्वारा वह है गोवर्धन मठ, ध्यान रखिएगा। अंतिम में इस मठ की स्थापना की, गोवर्धन मठ की, और यहां जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उन पर लगाया जाता है अरण्य, अरण्य उपनाम लगाया जाता है। इन यहां जो दीक्षा ग्रहण करते हैं उनके नाम पर लगाया जाता है अरण्य, अरण्य शब्द जोड़ा जाता है नाम के बाद, अरण्य संप्रदाय जोड़ा जाता है। और इसके अलावा शारदा मठ में जो दीक्षा ग्रहण करते हैं उनके नाम पर लगाया जाता है तीर्थ और आश्रम, तीर्थ और आश्रम, तीर्थ आश्रम, ये शब्द जोड़े जाते हैं तीर्थ और आश्रम। सवाल जो पूछा गया है ये गिरी पर्वत और सागर। इसके अलावा सबसे पहले मठ स्थापित किया गया ज्योतिर्मठ, चार मठों में से सबसे पहले किसकी स्थापना की पूछेगा, सबसे बाद में की है गोवर्धन मठ की, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा ये पूछा गया है कि ज्योतिर्मठ के पहले मठाधीश कौन थे, ये कई बार आ गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कई बार पूछा है, तो ये पॉइंट लिख लीजिए, देखिए ज्योतिर्मठ के प्रथम मठाधीश, ज्योतिर्मठ के प्रथम मठाधीश आचार्य तोटक थे, आचार्य तोटक थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हम उत्तराखंड में रहते हैं और ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है तो इसी के पूछेगा पहले मठाधीश, बाकी और कुछ नहीं पूछता और कहां ये पूछेगा। इसके अलावा कौन सा संप्रदाय जोड़ा जाता है, आपको यहां से चार सवाल याद रखने हैं। ज्योतिर्मठ कहां है, चमोली उत्तराखंड में है, सबसे पहले स्थापित किया गया, पहले मठाधीश आचार्य तोटक और दीक्षा ग्रहण करने वाले सन्यासियों के संप्रदाय कौन सा जोड़ा जाता है, गिरी पर्वत एवं सागर। ये चार सवाल आप याद कीजिएगा और ये चारों सवाल क्या किए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ, और इसके अलावा ये चार मठ में कौन कहां है ये आपसे क्या करेगा पूछेगा। गोपेश्वर, क्वेश्चन लिखना चमोली, बाड़ाहाट उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है, उत्तरकाशी से त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं, यानी त्रिशूल में लिखा गया है, त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट लिखें, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में दो राजाओं के लेख प्राप्त हुए हैं, यानी उनके द्वारा लिखा हुआ, उनके बारे में लिखा हुआ लेख प्राप्त हुए हैं जिसमें शंख लिपि का प्रयोग हुआ है, ये पूछा गया था सवाल, ठीक है। त्रिशूल जो लेख हैं उनमें किस लिपि का प्रयोग किया गया, तो शंख लिपि, शंख तो आप जानते होंगे, देखा है शंख, बजाने वाला शंख, वही शंख बिल्कुल। असल में इसमें जो लिखे गए हैं लेख जो बड़ाहाट से प्राप्त हुए हैं त्रिशूल लेख और गोपेश्वर जो प्राप्त हुए हैं, इसके अलावा शंखलिपि देखने को जो मिलती है वो दक्षिण भारत के मंदिरों इत्यादि में, ठीक है। शंखलिपि में जिस प्रकार का शंख होता ना उसी प्रकार से इसमें क्या किए जाते हैं, लेख लिखे जाते हैं, जो लेख इत्यादि और के लिखेंगे जिस प्रकार शंख का आकार होता है ठीक उसी प्रकार का होता है, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया, शंखलिपि नाम दे दिया। तो आपसे पूछेगा इन लेख में त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है, शंखलिपि का। अब ये दो राजा कौन कौन है ना, लिखते हैं, एक तो है अशोक चल, नंबर एक अशोक चल और नंबर दो लिखिए नागपति नाग,
नागपति नाग, नागवंशी शासक उत्तराखंड में नाग साम्राज्य हुआ करता, तो उसी में नागवंशी शासक नागपति नाग, और इसके अलावा गोरखा शासक या नेपाल के शासक अशोक चल्ल का इसमें क्या है उल्लेख है। बाकी आप जानते ही हैं अशोक चल्ल ने क्या किया था उत्तराखंड पर, आक्रमण किया था कब, 1191 में, 1191 में आक्रमण करने वाला शासक जो था अशोक चल्ल। इस बार लोअर पीसेस में भी आया था सवाल ना कि किसने क्या किया था, गोरखा शासक ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था, तो इसने 1191 में उत्तराखंड में क्या किया था, आक्रमण किया था, ये सवाल पूछा गया था। और इसके बाद आक्रमण करने वाला नेपाल का शासक कौन है, कराचल देव, ठीक है, कराचल देव। इसके अशोक के बाद जो उत्तराखंड में करता है वो करता है कराचल देव। ये अब देखिए आपसे पूछता है कि पहले किसने आक्रमण किया, याद करना भी कितना आसान है, देखिए आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे इस, जब ऑप्शन वहां पर थे दोनों ऑप्शन थे, बहुत सारे लोगों ने अशोक की जगह कराचल मार दिया होगा। आप देखो आपको क्या रखना है, ये 12वीं सदी में लगभग 1223 में, 1223 में इसने क्या किया था, आक्रमण किया था, ठीक है, 1223 में इसने क्या किया था, 13वीं शताब्दी होगी, 12वीं नहीं, 1223 में क्या किया था इसने, आक्रमण किया था। अब देखिए अब याद कैसे करना है कि पहले अशोक ने किया कराचल ने करा, अब ये तो याद होंगे नहीं भाई, ये सन याद रखना तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। आप इसको कैसे सेट कीजिए, और ये सवाल आया भी था इस बार, सेट अगर जिसका इस तरह से होगा कि पहले अ आता है फिर बाद में क आता है, ठीक है, अशोक इस तरह से सेट कर देना है, पहले अ आया था अशोक ने आक्रमण किया यहां पर, अशोक चल लो बाद में फिर क कराचल देव, ठीक है, तो इसलिए डाउट हो जाता है, लंबे समय तक याद रख पाना क्या है मुश्किल है, तो इसलिए ध्यान रखो कि पहले क्या आया अशोक चल लो बाद में कौन आया कराचल देव, उसने आक्रमण किया। चलिए फिर अलापन लिखे, कार्तिकेयपुर राजाओं के, कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्र पत्री लेख पांडुकेश्वर ताम्र पत्री लेख पांडुकेश्वर, क्वेश्चन लिखना चमोली कौमा बैजनाथ पांडुकेश्वर, क्वेश्चन लिखना चमोली कौमा बैजनाथ, बैजनाथ कहां है बागेश्वर, बैजनाथ क्वेश्चन लिखना बागेश्वर, बागेश्वर कौमा चंपावत तथा कंडारा। अब ये कहां है कंडारा है? नहीं, ठीक है, अल्मोड़ा का एक जो क्षेत्र है उसको कंडार खुआ कहा जाता है, ठीक है, वो अलग क्षेत्र है जो हमारा इसके अंतर्गत आता है ना, कंडार खुआ क्षेत्र है, लेकिन कंडारा ये वाला जो क्षेत्र है ये आपको मिलेगा अभी चमोली से लगा हुआ बिल्कुल रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग, ठीक है, इसको अल्मोड़ा का जो ये वाला क्षेत्र है बिल्कुल नैनीताल से लगा हुआ, ये कंडार खुआ सोमेश्वर से इधर से वाला जो क्षेत्र है ना श्याल देवी अल्मोड़ा से इधर कोसी अलबाग वाला, इससे सोमेश्वर वाला एरिया अंतर आता है, ठीक है, ताड़ीखेत से पहले, ठीक है, ताड़ीखेत से इधर और इधर आपको अल्मोड़ा मिलेगा, अल्मोड़ा से इधर सोमेश्वर मिलेगा और इधर मिलेगा ताड़ीखेत, ठीक है, इधर मिलेगा आपको ताड़ीखेत और इधर मिलेगा सोमेश्वर, अल्मोड़ा में है सोमेश्वर और ये है अल्मोड़ा, तो ये वाला जो एरिया है ये खंडार खुआ कहा जाता है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र कंडार खुआ भी कहते हैं, कंडार खुआ या खंडार खुआ, वो कंडार खुआ अलग है ध्यान रखिए अल्मोड़ा का, ये कंडारा है रुद्रप्रयाग में, ठीक है, क्या लिख रहे थे, ठीक है, कंडारा क्वेश्चन रुद्रप्रयाग से प्राप्त हुए हैं, से प्राप्त हुए हैं। अलापन लिखे, प्राचीन कालीन लेखों में या शिलालेखों में पल्लिका शब्द छोटे ग्राम के लिए,
पल्लिका शब्द छोटे ग्राम के लिए तथा तथा ग्राम शासक या ग्राम प्रधान के लिए, ग्राम प्रधान के लिए, ग्राम प्रधान के लिए महत्तम, ग्राम प्रधान के लिए महत्तम शब्द का प्रयोग हुआ है, शब्द का प्रयोग हुआ है, शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी जो छोटे ग्राम है उनके लिए पल्लिका और जो गांव का प्रधान है उसके लिए क्या महत्तम शब्द का। लेकिन अब और कुछ अन्य मैं लिखा देता हूं, ठीक है, शिलालेखों में शब्दावली और उनका वर्तमान अर्थ, इधर लिख देता हूं शब्दावली और उसका वर्तमान अर्थ, वर्तमान अर्थ कि वर्तमान में उनका अर्थ क्या है, वर्तमान शब्द क्या है। वो प्राचीन काल में पल्लिका तो छोटे ग्राम, महत्तम क्या है ग्राम प्रधान, इसके अलावा भृत्य, ठीक है, ये तो पर्यायवाची भी है आप जानते हैं, भृत्य किसका पर्यायवाची होता है, सेवक का, ठीक है, सेवक का पर्यायवाची होता है, सेवक यानी दास है जो, भृत्य है, भृत्य दास सेवक, ये सब इसके क्या है पर्यायवाची है, तो भृत्य शब्द पर्याय हुआ है। इसके अलावा कोट्टपाल, कोट्टपाल ये शब्द हुआ है गढ़ रक्षक के लिए, गढ़ रक्षक, गढ़ रक्षक, जो गढ़ रक्षक है उसके लिए कोट्टपाल शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा अक्षपटलिक, 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 अक्षपटलिक जो शब्द है वो शब्द प्रयोग हुआ है लेखा परीक्षक के लिए, लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक यानी जो अकाउंट वाले हैं उसके लिए लेखा परीक्षक। और इसके अलावा तालुका शब्द जो प्रयोग हुआ है, तालुका, तालुका जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है तहसील के लिए, मेंस वाले याद रखो लोअर वाले, तालुका शब्द पूछ सकता है इंटरव्यू में, तालुका शब्द तहसील के लिए। और कुलचारिक, कुलचारिक, कुलचारिक शब्द प्रयोग हुआ है तहसीलदार के लिए, तहसीलदार के लिए शब्द प्रयोग हुआ है कुलचारिक। और सेनानायक के लिए प्रयोग शब्द हुआ है बलाध्यक्ष, बलाध्यक्ष ये हुआ है सेनानायक के लिए, सेनानायक, सेनानायक जो है उसके लिए बलाध्यक्ष। और द्वार रक्षक के लिए हुआ है प्रतिहार, प्रतिहार शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह है द्वार रक्षक के लिए, द्वार रक्षक। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं जो क्या हुए हैं यहां पर प्रयोग हुए हैं, अक्षपटलिक, कुलचारिक, कोट्टपाल, ये पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। हाँ, और प्रधान सेनापति के लिए हुआ है महादंड नायक, ठीक है, महादंड नायक, महादंड नायक ये हुआ है किसके लिए, प्रधान सेनापति, प्रधान सेनापति जो पूछ सकता है अक्षपटलिक, लेखा परीक्षक। और इसके अलावा ये तो याद रखिएगा तहसील और तहसीलदार, ठीक है, कुलचारिक शब्द या तालुका शब्द, तालुका कहा जाता था किसके, तहसील को। तो ये थे थोड़ी बहुत इतिहास जानने के स्रोत उत्तराखंड में।